नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिमरन द फैक्ट आई से। आज हम लोगों के साथ लाइव जुड़े हुए हैं, डेरा सच्चा सौदा आश्रम में हमने विजिट किया है और जानते हैं कि आखिर क्या है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का सच। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा है, गंगा से आई हूँ। आप कितने समय से डेरा सच्चा सौदा आश्रम से जुड़े हुए हैं? समय तो कितना बताएं जी, जब से छोटी स्थिति थी ना मैं 7-8 साल की, तब से डेरे में आ रही हूँ। इतने लंबे टाइम से आप डेरा सच्चा सौदा आश्रम में आ रहे हैं, आखिर क्यों, ऐसा क्या मिला आपको यहाँ? विश्वास, पिताजी इतनी लगन है डेरे में आकर, और हमें कुछ नहीं था हमारे पास कुछ भी, लेकिन नाम लिया, हमारा सारा परिवार शुरू से यहीं आता है डेरे में। गुरु जी ने आपके लिए क्या कार्य करे? बहुत कुछ, क्या क्या बताएं जी, कोई शब्द ही नहीं है जी। आप गुरु जी ने समाज के लिए क्या कार्य करे? समाज के लिए तो अनगिनत है जी, जो बताए नहीं जा सकते। गरीबों के लिए गुरुजी ने क्या कुछ करा? गरीबों के लिए सारा कुछ, गरीबों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, कोई मकान बनवाए, गरीब लड़कियों की शादियां करवाई, इतना कुछ करवाया, बहुत कुछ। एक तरफ गुरुजी के इतने कार्य, दूसरी तरफ उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहोगे? बिल्कुल झूठे जी, बिल्कुल झूठे आरोप। हमें तो नहीं लगता, हमें इतना टाइम, हमें तो कुछ दिखा नहीं, ये पता नहीं मीडिया वाले लोग और पता नहीं ऐसी क्या कुछ दिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, कभी आएगा ऐसा सच भी सामने, पिताजी लेकर आएंगे, वो अपना मिशन पूरा करके जब आएंगे और सबकी निगाह में सबको पता चल जाएगा क्या सच और क्या झूठ, दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। अब 3-4 साल से गुरुजी समाज में नहीं है, तो उससे समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? कुछ फर्क नहीं पड़ा लोगों को, जो डेरे में जो मानते हैं डेरे में आते हैं पूरा, उनका तो लोगों का 4 गुना 10 गुना कह दूं मैं, इतना ज़्यादा विश्वास लोगों का बढ़ गया। जिन्होंने मीडिया के द्वारा गुरुजी को जाना है उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? उनको क्या संदेश देना है पिताजी, मतलब उनको पैर पैर पे चमत्कार दिखा रहे हैं, अब हमारी आंखों के सामने ने लोगों ने आके मत्थे रगड़े हैं यहाँ आके कि माफ़ करो हमें, कि इतना कुछ हमने बोल तो दिया लेकिन हमारे सामने हमने अपनी आंखों से देखा है लोगों को माफ़ी मांगते हुए।